मकर संक्रांति में आपने तिल के बहुत से लड्डू खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपको बता रही हूँ वो है तिल चौको ड्राई फ्रूट लड्डू। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट ओरियो बिस्किट। तो यहाँ मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। अब हम पैकेट को खोल देंगे और पूरे पैकेट में से ओरियो बिस्किट निकाल करके उसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे। तो ये देखिए, एक कटोरे में मैंने पूरे बिस्किट्स को निकाल लिया है और इस तरह से हम उसे चार भागों में बांट लेंगे। तो ये देखिए, एक मिक्सी का जार लिया मैंने और सारे ओरियो बिस्किट को हम इस तरह से चार भागों में बांट लेंगे। और उसके बाद हम इन सारे बिस्किट्स को जब तोड़ लेंगे तब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए, सारे बिस्किट्स को मैंने तोड़ लिया है, अब मैं इसे करूँगी ग्राइंड। तो ये देखिए, इसका एक फाइन पाउडर हमें बनाना है। तो इसका एक फाइन पाउडर बन चुका है। हम एक बाउल लेंगे और एक बाउल में ये जो हमने बिस्किट का पाउडर बनाया है इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारा पाउडर हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें हम डालेंगे करीब हाफ कप सेसमी सीड वाइट तिल और उसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसे तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक इसमें से एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा और ये चटकने लगेगी। तिल जो है, तिल में आपको चटकने की आवाज़ आएगी जब आप इसे रोस्ट करेंगे। तो इसे हम उतनी देर तक ही रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम रोस्ट कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें, हाई फ्लेम पर ना करें, वरना ये जो तिल है ये जल जाएगा। तो इसे हम धीरे धीरे इस तरह से रोस्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि इसमें चटकने की आवाज़ आएगी और आपको दिखेगा कि तिल जो है अच्छे से हो गया है। तो ये देखिए, तिल चटकने लगा है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाए, हल्का ब्राउनिश में आ जाए, जलने नहीं देना है, हल्का ब्राउनिश में आ जाए, तब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन द मीनवाइल हम उसी पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। तो इसमें हमने घी डाला, घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे हम करीब हाफ कप कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 काजू, बादाम और अखरोट लिया है। आप इसकी जगह और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं किशमिश छोड़ के, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े देर के लिए रोस्ट करेंगे। और देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स को हमने निकाल लिया है, रोस्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेसमी सीड था हम इसका पाउडर बनाएंगे, ठंडा हो चुका है, और उसके साथ ही ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट का पाउडर है, इसे हम डालेंगे ये बिस्किट वाले पाउडर के साथ और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सेसमी सीड का पाउडर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिस्किट के पाउडर और ड्राई फ्रूट के पाउडर को। उसके बाद इसमें डालेंगे सेसमी सीड का पाउडर, उसे भी अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोई भी चीनी या गुड़ कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट है, ये चॉकलेट बिस्किट है, तो उसके साथ ही ये बहुत मीठा भी रहता है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कोई भी इसमें शुगर या गुड़ नहीं डाल रहे हैं। अब हम लेंगे दूध। तो करीब 1 से 2 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालें वरना आपका ये जो डो है गीला हो जाएगा। तो 1 से 2 चम्मच हम दूध डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध डालने से ये इसका जो डो है वो अच्छा तैयार नहीं होगा और आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप इसमें दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने करीब 2 चम्मच इसमें दूध डाला है और उसके बाद ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो ये जो चॉकलेट बिस्किट है, ड्राई फ्रूट्स पाउडर है और सेसमी सीड्स का पाउडर है, उसके साथ हम इसमें दूध मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप हाथों से इस तरह से बना के देखिए, अगर इस तरह से लड्डू तैयार हो रहा है मतलब ये डो तैयार है। इसमें कोई भी घी या बटर नहीं डाले वरना ये बहुत ऑयली हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाथों के बीच में रख के लड्डू बना लेंगे। आप इस तरह से गोल गोल करके लड्डू बना लें। ये देखिए, अच्छे से ये लड्डू बन जा रहा है। लड्डू बनाने के बाद हम एक प्लेट में सेसमी सीड जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा है उसके ऊपर इस लड्डू को रोल ऑन कर देंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से रोल कर देंगे चारों तरफ, सारे सेसमी सीड के ऊपर। तो हमारा लड्डू तैयार हो गया। मैं आपको एक दूसरा बना के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हाथों के बीच में लेना है और लड्डू के शेप में इस तरह से गोल कर लेना है।
आपको हाथों में कोई भी घी या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से एक ऑयल रिलीज होता है बिस्किट में से। ये देखिए, उसके बाद वापस से हम सेसमी सीड में इस तरह से रोल ऑन कर देंगे। सेसमी सीड के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से कवर करना है हमें इस लड्डू को। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक प्लेट में रखें, आप उसमें आप आराम से इस तरह से रोल ऑन कर सकते हैं। चारों तरफ से अच्छे से रोल कर लिया और ये देखिए हमारा फटाफट से क्विक चॉको ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार है। ये तिल का लड्डू है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लड्डू बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारा तिल चॉको ड्राई फ्रूट लड्डू फटाफट से बहुत ही क्विकली 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप आराम से कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे। और मकर संक्रांति में अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया है तो इसे ज़रूर बना ले, आपके बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। और इसमें तिल भी है और बिस्किट भी है चॉकलेट वाली, तो बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो इसे ज़रूर बनाएं और इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।